तो यार जब ये चाइनीज ऐप्स बैन हुई थी तो इन्होंने हमारा डेटा चुराया था, ना कि इन्फॉर्मेशन। और फिल्मों में ये क्यों कहा जाता है कि क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन निकालो ना कि डेटा। कई लोग कहते हैं कि डेटा इज अ न्यू फ्यूल, डेटा इज अ न्यू ऑयल, और कई लोग कहते हैं कि दिस इज द इन्फॉर्मेशन एज, द इन्फॉर्मेशन एज। तो क्या इन्फॉर्मेशन और डेटा दोनों अलग अलग चीज होती है? हाँ, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। तो पता कैसे चलेगी कौन सी इन्फॉर्मेशन है और कौन सा डेटा? सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो ऑफ अ टाइटल, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो पहला इसमें डेटा। सो डेटा इज ए अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिफाइंड फैक्ट्स, इट्स लाइक स्कैटर्ड पीस ऑफ पजल दैट डोंट मेक एनी सेंस देयर ओन। मतलब तो जो हमारा डेटा होता है वो कुछ इसी इमेज की तरह स्कैटर्ड होता है, अनरिफाइंड होता है एंड अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इट इज लाइक स्कैटर्ड पीस ऑफ पजल, यानी कि एक पीस ऑफ पजल की तरह है कि कुछ यहाँ बिक रहा है, कुछ वहाँ बिक रहा है, और इसका पता नहीं चल पा रहा है कि इसका मतलब है क्या। यानी इट डजंट मेक एनी सेंस टू देयर ओन, यानी इसका अगर हम सिर्फ डेटा लें तो इसका कोई सेंस नहीं बनता जिससे कि कोई मतलब की बात करी जा सके। वही जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कंप्राइज प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा का क्या होता है, एक प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, जिससे कि हम एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट पता कर पाए। इट्स लाइक आई एम पुटिंग दोस पजल्स पीसेस टुगेदर टू रिवील अ क्लियर पिक्चर। मतलब जैसे कि मल्टीपल पजल्स के पीसे होती है, मल्टीपल चीजें हैं, इनको अगर हम ऑर्गेनाइज करके रखें तो क्या बन जाती है, इस प्रकार की बन जाती है। जैसे ये बुक शेल्फ है, तो ये पहले ऐसी पड़ी थी बुक्स, उनको हमने क्या करा, ऑर्गेनाइज करा, एकदम प्रोसेस्ड करा, और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको एकदम वन बाय वन शेल्फ में रखे, तो ये क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन बन गई। यानी इसका कोई मतलब निकल गया कि ये लाइब्रेरी बना रहे हैं। तो इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने लिया है कि कुछ नंबर्स हैं, वी हैव 5, 7, 2, 9, 3 एंड 8। तो इनका मतलब क्या है, ये कोई रैंडम नंबर है, तो इसका मतलब ये डेटा है, यानी एक रैंडमली चीजें हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। पर अगर उन्हीं हम क्या रखें, इनको हम रखें 2, 3, 5, 7, 8 एंड 9, यानी इन्हीं को हम क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में लगें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगें, तो ये क्या बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी, एक सॉर्टेड लिस्ट बन जाएगी, यानी एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये शॉर्टेड लिस्ट है, वहीं जो ऊपर वाला था ये रैंडम था, यानी इससे पता नहीं चल पा रहा है कि किस बारे में, ये हो सकता है कि किसी की हाइट हो या फिर किसी की एज हो, ये शॉर्टेड लिस्ट है, यानी एक इन्फॉर्मेशन है ये। इंडिविजुअल यूनिट एंड लॉजिकल मीनिंग, यानी इनका मतलब क्या होता है, जो डेटा है ये डेटा इज इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन्स रॉ मटेरियल विदाउट स्पेसिफिक मीनिंग। यानी जो डेटा है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, यानी अलग यूनिट में भी कंटेन कर सकता है, विदाउट स्पेसिफाई मीनिंग, यानी इसका बिना मतलब करे डेटा यहाँ प्रेजेंट करा जा सकता है। इट्स लाइक इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट बिफोर कुकिंग, यानी ये बनाने से पहले का इंग्रेडिएंट है, तो इससे क्या होगा कि ये बिना इसके भी ये डेटा की तरह प्रेजेंट हो सकता है। पर वही जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरी इज अ लॉजिकल मीनिंग। मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ये ग्रुप ऑफ डेटा, ये मल्टीपल डेटा को लेना, हमने जो चीनी है इसको अलग ही नहीं लिया, इसको ग्रुप ऑफ डेटा है, ये मल्टीपल चीजों को लिया है, दैट कलेक्टिवली कैरीज अ लॉजिकल मीनिंग, यानी इनका कुछ मतलब है कि ये क्यों रखे हैं। इट्स लाइक द फिनिश्ड डिश आफ्टर कुकिंग, यानी इनको मिला के हम क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे हम केक। तो जो ये मल्टीपल चीजें हैं, जैसे अगर अलग रख दूँ मैं तो ये बन जाएगा डेटा, पर इनको मल्टीपल रखे और इनको खाना बना दो, कुछ बना दो, तो बन जाएगी इन्फॉर्मेशन। यानी इन सब चीज़ का इस्तेमाल करके, डेटा का इस्तेमाल करके जो हम कॉन्टेक्स्ट निकालते हैं, जो मतलब निकालते हैं, तो बनता है हमारा इन्फॉर्मेशन। इसके एग्जांपल ले लें, जैसे कि ये कैट, डॉग एंड रन है। अगर हम इन तीन वर्ड को ले लें, इनसे कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या, हमें नॉर्मल पता चलेगा कि ये कैट है, ये डॉग है, ये रन है, पर इससे मतलब क्या चल रहा है भाई, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं, ये है हमारे इंडिविजुअल डेटा। वही जो अगर लगा लें इनको, एक धागे में पिरो दे हम, जैसे कि द कैट एंड द डॉग रन इन द पार्क, इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि जो कैट है एंड द डॉग है वो रन कर रहे हैं इन द पार्क। यानी इसका कोई मीनिंग है, कुछ कॉन्टेक्स्ट है, तो ये बन जाएगी हमारी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन डिपेंडेंसी। अच्छा, इन दोनों की आपस में डिपेंडेंसी हो सकती है, किस प्रकार हो सकती है वो देखेंगे हम। तो डेटा है जो, वो डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वही जो डेटा है वो अकेले ही रह सकता है, यानी बिना इन्फॉर्मेशन के डेटा रह सकता था। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने कि ये वाला, कि बिना उसके भी ये जो है डेटा भी रह सकता है, ये कैट डॉग रन है, ये बिना इन्फॉर्मेशन, यानी बिना इनको धागे में पिरो के भी ये रह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वही जो इन्फॉर्मेशन है ये बिना उसके नहीं रह सकती, यानी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा, विदाउट डेटा देर इज नो इन्फॉर्मेशन, यानी बिना डेटा के इन्फॉर्मेशन बनाई नहीं जा सकती। वही जो पुलिस कहते हैं ना कि उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, इसको बायोडेटा निकालो, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो कनेक्शन क्या है उनके बीच का, यानी जो क्रिमिनल है उसका जो विक्टिम है उससे क्या कनेक्शन है, क्यों उसने ये करा होगा, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। जब हम डेटा की बात करते हैं तो इसका मतलब कि जैसे हमने बात करी थी पहले चाइनीज ऐप्स के बारे में, तो उसमें जो डेटा था इसका मतलब है कि हमारी वो इंडिविजुअल डिटेल्स लेते हैं, जैसे कि हमारा नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल,
मॉडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो उससे मतलब नहीं निकल पा रहा, पर उससे डेटा निकल पा रहा है और इसको प्रोसेस करके कि किस रीजन का है वो और क्या है उसकी एज है, इससे वो बनाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। यानी बिना डेटा के इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, पर डेटा अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए कहते हैं डेटा इज़ अ न्यू फ्यूल, यानी इसका इस्तेमाल करके हम नया इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं। अच्छा, इनसफिशिएंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, अब हम देखेंगे कि इनसफिशिएंसी किस प्रकार की है। मतलब कि अगर हम रॉ डेटा लें, रॉ डेटा अलोन इज इनसफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी सिर्फ डेटा होने से हमारे पास कुछ नहीं होगा। अगर हमारे पास सिर्फ डेटा है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, इट लैक्स कॉन्टेक्स्ट एंड डजंट प्रोवाइड एक्शनेबल इनसाइट्स, यानी ये बिना कॉन्टेक्स्ट के इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे हम, ठीक है। वहीं जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इज सफिशियंट फॉर द डिसीजन मेकिंग एट इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी, ये डेटा को प्रोसेस करके बनाई हुई है। जैसे कि घड़ी है, इसमें बज रहा है हमारा 8, तो इससे क्या पता चलेगी कि 8 क्या है, मतलब 8 बजे कोई आने वाला है, कोई जाने वाला है, कोई खाने वाला है, या फिर कोई धमाका होने वाला है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी इवेंट वट इज़ गोइंग ओवर है, या फिर ये बता रहे पा रहे कि 8 बजे इस घड़ी में, ये कौन सा 8 बजे, रात के बजे, दिन के बजे, कौन से। वही जो इन्फॉर्मेशन है, इससे पूरा पता चल रहा है कि जो बच्चे हैं वो 8 बजे क्या जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा एंड ऑर्गेनाइज ऑल्सो टू एड इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। यानी इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस बना सकते हैं, हम फैसले ले सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं। इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ टेम्परेचर फॉर अ वीक, यानी हमारे पास अगर कोई टेम्परेचर है एक हफ्ते का, तो क्या हम कैसे ट्रीट करेंगे उसे, उसे हम ट्रीट करेंगे एज अ डेटा, क्यों, क्योंकि उससे भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा। इफ़ यू कैन डिसाइड वेदर टू कैरी एन अम्ब्रेला और वियर सनस्क्रीन, यानी हम इससे पता नहीं लगा पा रहे कि हमें अम्ब्रेला ले जानी चाहिए अपने साथ, छाता ले जानी चाहिए या फिर सनस्क्रीन लगानी चाहिए। बट इफ़ यू एनालाइज द डेटा टू फाइंड एवरेज टेम्परेचर, अगर हम क्या करें कि जो डेटा हमारे पास है, जो टेम्परेचर हमारे पास है पूरे वीक का, तो अगर उसे हम एनालाइज करें तो उसे क्या पता चलेगा कि हमें एवरेज टेम्परेचर पता चलेगा एंड वेदर पैटर्न्स। तो डेटा को एनालाइज कर हमें पता चलेगा एवरेज टेम्परेचर क्या है एंड वेदर के पैटर्न क्या है, कि कैसा वो चेंज हो रहा है, तो उससे क्या बनेगी हमारी इन्फॉर्मेशन। यानी डेटा जो टेम्परेचर है उसको अगर हम मॉडिफाई करें, प्रोसेस करें, तो उससे हमें एवरेज टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न मिल सकता है। यू कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट योर प्लान्स, इससे हमें पता चलेगा कि कौन से समय जो टेम्परेचर है वो गिर रहा है, सुबह, शाम को या दोपहर को, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे हम, सनस्क्रीन लगाएंगे गर्मी में और वहीं बारिश के लिए हम अम्ब्रेला यूज़ करेंगे। तो अब तक हमने जो भी करा उसकी एक समरी देते हैं। तो फर्स्ट हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब डेटा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, वहीं जो हम प्रोसेस करेंगे उसे तो वो ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। वहीं इंडिविजुअल यूनिट एंड लॉजिकल मीनिंग, यानी डेटा जो होता है वो इंडिविजुअल यूनिट ही होती है, जिससे कि हम कोई मतलब नहीं निकाल सकते, वहीं जो इन्फॉर्मेशन होती है ये लॉजिकल हम मीनिंग प्राप्त कर सकते हैं उससे। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन डिपेंडेंसी, इसमें हमने देखा कि जो डेटा होता है वो बिना इन्फॉर्मेशन के काम कर सकता है, पर वहीं जो इन्फॉर्मेशन होती है बिना डेटा के कुछ नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बनती ही डेटा से है। और लास्ट पॉइंट था हमारा इनसफिशिएंट फॉर डिसीजन मेकिंग, डेटा से हम कोई डिसीजन नहीं बना सकते, पर अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें डिसीजन बना सकते हैं।